सुनील सिंह जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि कहा जा रहा है कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पुलिस की मदद सही तरीके से नहीं मिल पा रही, उसमें अमरावती का मामला है जब उद्धव की सरकार थी वहां पर, और राजस्थान का मामला है जहां पर एक पुलिस वाले का जिस तरह का ऑडियो वायरल हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े हो गए कि वास्तव में गंभीरता दिखाती है पुलिस या इस तरह के मामलों को लगातार ढकने की कोशिश की जाती है। तो विश्व हिंदू परिषद अगर इनिशिएटिव ले रहा है तो क्या गलत है इसमें? चित्रा जी, मुझे लगता है कि कुछ भी गलत नहीं है। मैंने तो विजय शंकर तिवारी जी को सुना, हेल्पलाइन जारी कर रहे हैं। मेरा अपना आपके कार्यक्रम में ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, देश की न्यायपालिका को, पुलिस फोर्स को, आर्मी फोर्स को, सेना को, सशस्त्र बलों को, सबको हटा देना चाहिए और सारी जिम्मेदारी विश्व हिंदू परिषद को, बजरंग दल को, आरएसएस के लोगों को दे देना चाहिए। और उससे होगा क्या, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी कभी कभी सुप्रीम कोर्ट इनके आड़े आ जाता है, कभी कभी राज्य की पुलिस से आड़े आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने तानाशाही सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। आप सोचिए कि देश किस तरफ जा रहा है, देश में सरकार किसकी है, इन्हीं के समर्थन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है, कई राज्यों में इनके मुख्यमंत्री हैं। आज देश को बता रहे हैं कि हिंदू डरा हुआ है। कौन हिंदू डरा हुआ है? हम तो हिंदू, हम तो नहीं डरे हुए हैं। बीजेपी कहती है ना, इसी वजह से यूपी में तो नहीं हो रहा है, वहां पे बुलडोजर का खौफ है ना, इस वजह से राजस्थान में आया है इस तरह का मामला। जब पुलिस वाला समझाता है कि स्वीकार कर लो कि हाँ तुम ड्रिंक में ड्रिंक करने के बाद वीडियो बना रहे थे। चित्रा देखिए, चित्रा जी आ रही हूँ, विजय शंकर जी। चित्रा जी, राजस्थान जैसी घटना जहां पर भी होंगी वो निंदनीय है और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, सरकार फैसला लेना। अगर किसी को सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी को फोन पर धमकी आ रही है, इसका मतलब हम अपने देश में सुरक्षित नहीं है। और जो धमकी दे रहा, सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर जेल में होगा। और सिर्फ देश से धमकी देने वाला नहीं, अगर विदेश में बैठ करके भी अगर कोई हमारे देश में किसी को धमकी दे रहा है तो हमारी देश की ठीक है। इसमें मैं पहले जवाब ले लेती हूँ, उसके बाद बाकी मैं फौरन आऊंगी आपके पास। प्रज्ञा जी, विजय शंकर तिवारी जी वो कह रहे हैं देश से सबको हटा लो, चाहे सेना हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, विश्व हिंदू परिषद को दे दो जिम्मेदारी इसकी। देखो, सुनील सिंह जी क्या बोलेंगे ये सारे देश को पता है, इनका वैचारिक अधिष्ठान क्या है भी पता है। और जो ये कह सकते हैं कि राम कार सेवकों के लिए कि 18 मरे थे और ज्यादा मारने पड़े तो मर देते, तो ये स्वाभाविक है, ये कह सकते हैं और यही इनको, ये इनसे अपेक्षा भी होती है। लेकिन अभी नूपुर शर्मा के विषय में माननीय अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, उन्होंने क्या कहा था कि केवल मन से नहीं, केवल मीडिया में नहीं, शरीर से भी मांगना चाहिए। यानी इससे ज्यादा जलालत भरा, इससे बड़ा निकृष्ट, इससे बड़ा गलत कोई बयान हो सकता है क्या? यानी हम एक पूर्व मुख्यमंत्री से अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि एक महिला के लिए कह रहे हैं कि एक शरीर से भी उसको क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये आप जो सुनील जी आप कह रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, यानी ये संगठन क्या करते हैं? फिर तो सारे आरटीआई वाले जो विद्यालयों में लोग एक लगा करके बच्चों को असिस्ट करते हैं कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जाना है, वो सब बंद करना पड़ेगा। फिर तो देश में जितने लोग सहयोग करने वाले हैं उनको खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यानी आपको आज साथ खड़े होकर बोलना चाहिए कि हाँ, हिंदुओं के मन में दहशत पैदा की गई है, ठीक है, इसलिए आपको हमारे साथ आना जल्दी से। आपकी हेल्पलाइन पर मैं बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगी, लेकिन सुनील जी वो जल्दी से, चूंकि शरीर से भी माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बातें, इस पर आप जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ बाकी मेहमानों के पास। जल्दी से सुनील सिंह जी, एक बात जानना चाहूंगा। एक तो पूरे देश को ये गुमराह मत करिए कि 80% हिंदू है, हम लोग भी हिंदू है, कि हिंदू डरा हुआ है। हिंदू किसी से डरता नहीं है, और जो डर गया वो हिंदू किस बात का। एक हम केवल सवाल ये कर रहे हैं, हेल्पलाइन आप केवल इसलिए जारी कर रहे हैं, क्या हेल्पलाइन में आपने कभी कहा कि देश के जो पिछड़े, दलित, गरीब, हिंदू हैं, उनके अगर किसी बच्चे की फीस नहीं जमा है तो विश्व हिंदू परिषद जमा करेगा, किसी का एडमिशन नहीं हो रहा तो हम पे आइए, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो हमारे पास आइए, कोई आपको परेशान कर रहा है तो हमारे पास आइए, कभी आपने सोचा? कभी यहाँ पर तो कत्ल किया जा रहा है ना सर, यहाँ पर तो मार दिया जा रहा है सुनील सिंह जी, उनकी दवाई का, इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप? अगर किसी ने गलती से भी सोशल मीडिया पर किसी का भी समर्थन कर दिया, बाद में पोस्ट डिलीट कर ली, माफी भी मांग ली,
तो भी कोई माफी नहीं है, सरतन से जुदा ही होगा, कोई माफी नहीं है चित्रा जी। इस वजह से वो हेल्पलाइन नंबर लेकर आ रहे हैं जो बतावा कर रहे हैं। चित्रा जी मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। विजय शंकर जी आपकी बात जरा जरा, विजय शंकर जी चूंकि हेल्पलाइन नंबर जारी कर देना एक अलग विषय है, लेकिन इसके जरिए क्या वास्तव में आप लोगों की मदद कर पाएंगे ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के मैसेजेस मुझे पता है कि आपके पास आएंगे, बहुत सारे आपको कॉल जाएंगे। मैं लौट रही हूँ सर, जरा आपके ही एक बजरंग दल के नेता है पंचकुला के, आ रही हूँ विजय शंकर जी, वीएचपी के देवेंद्र सिंह बाजवा, जिनको धमकी गई सोशल मीडिया से, धमकी की शिकायत लेकर वो पुलिस के पास पहुंचते हैं, 22 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं होती, बाद में जाकर पूरे मामले में कार्रवाई होती है। जरा एक बार सुन लेते हैं उनका पूरा का पूरा मामला है क्या, उसके बाद विजय शंकर जी आपसे ही जवाब लूंगी मैं। 11 तारीख को एक लड़का है जो कथित प्रिया शांति समुदाय से है, जिसका नाम है गुलजार मोहम्मद, जो कि सुमलेड़ी का वासी है। इसका मेरे पास मैसेज आता है, ये पहले तो बोलता है कि हमने जम्मू कश्मीर से सभी हिंदुओं को भगा दिया था, जो कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम किया गया है। उसके बाद इसने मेरे पास मैसेंजर, फेसबुक का एक मैसेंजर ऐप होता है, उसके माध्यम से इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी, मेरा सर कलम करने का भी मुझे अल्टीमेट दिया कि भाई 72 घंटे के अंदर तेरा सर कलम कर देंगे। विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं सीधे विजय शंकर तिवारी जी आपके पास आते हुए, जब आपके कार्यकर्ता ही मदद के लिए इधर उधर जा रहे हैं तो फिर आप लोग कैसे मदद करेंगे हिंदुओं की, कह रहे हैं हेल्पलाइन के जरिए हिंदुओं की मदद करेंगे। नहीं, नहीं, वो ऐसा है कि एक मिनट चित्रा जी बहुत अच्छी बात कर रही हैं आप। वो अपना निर्णय, अब वो सारी सारी समस्याएं जिस प्रकार की उनके लिए एक साथ लगेंगे, एक साथ करेंगे, हमारे कार्यकर्ता भी इंडिविजुअल कहीं रहते होंगे चित्रा जी, उनको समस्या ही होगी, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इसका निराकरण करना करने के लिए हमारे कार्यकर्ता आगे आएंगे और शासन के साथ मिलकर के इसका निर्णय करेंगे। दूसरी बात चित्रा जी मैं एक दूसरी बात कह रहा हूँ, सुनील जी बहुत सारी बात कर रहे थे, सुनील जी को बड़े आदर के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, सुनील जी जो आप कह रहे थे दवाई देनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, ये करना चाहिए, सुनील जी वो हम सब कुछ करते हैं, हम 20,000 सेवा के केंद्र देश भर में चलाते हैं, हम अनेकों वनवासी कल्याण आश्रम चलाते हैं, ऐसे वनवासियों के लिए क्षेत्र चलाते हैं, शिक्षा संस्थान चलाते हैं, उनके लिए चिकित्सालय चलाते हैं, ऐसे हजारों हजार प्रकल्प हम सुनील जी चलाते हैं, वो हम सब करते हैं जो आप कह रहे थे, और ये भी करते हैं, ये केवल कभी हमें ऐसा जारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, ठीक है। लेकिन जिस प्रकार का माहौल बना दिया गया और आप लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं, दुर्भाग्य इस बात का है सुनील जी, आप लोग उन्हीं के साथ खड़े हैं जो लोग ये सारी घटनाएं कर रहे हैं।